नमस्कार, राजधावा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। सावन के तीसरे सोमवार पर उज्जैन के राजाधिराज भगवान महाकाल प्रजा का हाल जानने निकले। बाबा महाकाल ने शिव तांडव के रूप में भक्तों को दर्शन दिए। चांदी की पालकी में चंद्रमोलेश्वर और हाथी पर सवार मन महेश के रूप में भी महाकाल सवारी के साथ चल रहे थे। सवारी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। जगह जगह बाबा महाकाल का फूल बरसाकर स्वागत किया गया। शिप्रा घाट पर पूजन के बाद सवारी वापस महाकाल मंदिर पहुंची। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी परिवार के साथ महाकाल की सवारी में शामिल हुए। उनके साथ मंत्री मोहन यादव और महापौर मुकेश टटवाल भी मौजूद रहे। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह ने बाबा महाकाल के दर्शन कर अभिषेक किया। इसके बाद बाबा की पालकी की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और उनकी पत्नी साधना सिंह महाकाल मंदिर का ध्वज हाथों में लेकर सवारी में पालकी के आगे आगे पैदल चल रहे थे। सवारी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, भजन मंडली और पुलिस बैंड भी साथ चल रहे थे। भगवान महाकाल की सवारी शाम करीब 5:30 बजे शिप्रा घाट पहुंची थी। यहां दत्त अखाड़ा की ओर से बाबा महाकाल का स्वागत कर पूजन आरती की गई। यहां से परंपरागत मार्ग से सवारी गोपाल मंदिर पहुंची। यहां हरि का हर से मिलन हुआ। पूजन अर्चन के बाद सवारी वापस महाकाल मंदिर के लिए रवाना हो गई। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।